नाजरीन हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जीत फतह हासिल करने के बाद कहा जाता है कि कुछ मुस्तहकम हो गई है। अब थोड़ा सा हम आज़ाद कश्मीर की उस तारीख पर जाएंगे कि ये सदारती निज़ाम से के बाद पार्लिमानी निज़ाम कब हुआ था। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही और फिर जब शिमला मुहायदा 72 में हुआ और 74 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो भुट्टो साहब ने सदारती निज़ाम में सिस्टम को तब्दील किया और अबूरी आइन भी दिया कश्मीर का। नाजरीन जो कश्मीरी रहनुमा हुक्मरान रहे उनका कुछ तरतीब आपको बता दूं कि रहे सरदार इब्राहिम खान सदर, फिर पीर अली जान शाह, फिर सरदार अब्दुल कयूम, के एच खुर्शीद और इनके आने जाने के वक्फे में दो जर्नैल भी थे जिन्होंने आर्जी ड्यूटीज़ दी थी, वो थे जनरल अब्दुल रहमान और फिर ज़ियाउल हक के दौर में थे जनरल हयात खान। कहा जाता है कि जनरल हयात के ज़माने में काफ़ी तरक्की हुई थी कश्मीर में। अब आते हैं कि जो यहाँ के पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई तो फर्स्ट टाइम आई, ये कब कब रहे, अब इनके कौन से लोग रहे? खान अब्दुल हमीद खान रहे 3 साल तक, फिर मुमताज़ हुसैन राठौर रहे, फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद रहे, फिर चौधरी अब्दुल मजीद रहे और जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई पाकिस्तान में इस तरफ तो जैसा कि ये डिस्कस किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की एक नफ्सियात है कि जो यहाँ हुकूमत बनाता है उसी की हुकूमत कश्मीर में होती है। सो जब नवाज शरीफ की हुकूमत हुई तो नून लीग आई आज़ाद कश्मीर में और फारूक हैदर आए आज़ाद कश्मीर में। अब हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा हुकूमत में रही। जब हम बात करते हैं ना तरक्याती कामों की तो उस पर बड़ा दिल परेशान होता है कि इतना तवील दौर आपने गुजारा वहाँ, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी रही और अब नून लीग रही और अब पीटीआई। कारकर्दगी पर जब बात करें तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। पीपल्स पार्टी को तो बहुत ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए था क्योंकि इतना तवील अरसा उन्होंने गुजारा, नून लीग ने भी 5 साल ऐसे ही खामोशी में ही गुजार दिए थे और अब पीटीआई क्या कारकर्दगी दिखाएगी। नाजरीन जो पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म गुजरे हैं उन पर भी बाज़ हवालों से, मैं इस शो में नहीं बात करती, बड़ी तनकीद हुई थी। सो जो मुंतखब हुक्मरान है उसको अपने किरदार और फिर जो उसने डिलीवर करना है उस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन हम आएंगे अपने रोज़नामा पाकिस्तान की एक दो ख़बरों पर। जब हमने कहा कि जो हुक्मरान बनता है किरदार की मैं बात कर रही हूँ, उसको उसमें कितना ज़्यादा डिलीवर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, खिदमात सर अंजाम देनी पड़ती हैं, तभी वो इस काबिल होता है कि उस जगह का हुक्मरान बन सके। हम रोज़नामा पाकिस्तान की खबर पर जाएंगे जिसमें एस के नियाज़ी ने कहा कि वज़ीर आज़म मसला कश्मीर को बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं और दूसरा उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है उस शख्स का किया जाए जो कश्मीर इशू को बेहतरीन अंदाज में लेकर आगे चले। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और नाजरीन फिर अनवारुल हक जो कि सदारती उम्मीदवार भी हैं उन्हें एस के नियाज़ी ने भी रिकमेंड किया और उन्होंने भी कहा कि रोज़ न्यूज़ मेरी फैमिली है और फिर बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान का जो फैसला होगा उसे मैं कबूल करूँगा। अमूमन सियासी जमातों में एक रुझान जो इलेक्शन के नतज के हवाले से है वो आप जानते हैं कि हमेशा यही होता है कि नई धांधली हुई है और उसको तस्लीम नहीं किया करते। तीनों जमातें PPP, नून लीग और PTI, इन तीनों के अंदर अपनी अपनी जगह पर जो इल्लतें मौजूद हैं उन पर देखना बड़ा ज़रूरी है। नून लीग का बयानिया आप जानते हैं कि हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ चला जाता है, अफवाज के ख़िलाफ़ चला जाता है, वो इकतदार के लिए ऐसा बयानिया अख्तियार करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर की अवाम को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। मेरी किताब भी कश्मीरी यहाँ पढ़ी हुई है, एस के नियाज़ी की भी है। मजीद निज़ामी ने एक ज़माने में तनकीद की थी पीपल्स पार्टी के, चूँकि वज़राए आज़म रहे ज़्यादा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीओ पुलाव पार्टी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। नून लीग का बयानिया खुद उन्हीं के गले पड़ रहा है। पीटीआई से गिला ये है सबको कि वो डिलीवर नहीं करती, कश्मीर की जिम्मेदारी भी आ गई है। क्या उन्हें ब्यूरोक्रेसी से गिले होते हैं? टेक्नोक्रेट्स की तरफ वो नहीं जाते, माहरीन नहीं उठाते, हमेशा बाहर से ही मंगवाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़े माहरीन हैं जिन्हें मुख्तलिफ खिदमात पर, मैं इसमें मिसाल दूँगी कि नवाज शरीफ ने अताउल्लाह कासमी को PTV का चेयरमैन बनाया, नवाज शरीफ ने नवाए वक्त के कॉलम निगार इरफान सदीकी को
तारीख और अदबी वरसा डिवीजन का मिनिस्टर बना के उनके अंडर कर दी सारी ये जो अकादमी अदबियात मुक्तदरा। खान साहब ऐसे फैसले नहीं लेते, उनके सारे इदारे अभी ऐसी जगहों पर हैं कि जहाँ फिर वो कहते हैं कि डिलीवर नहीं हो रहा। नाज़रीन, मेहमानों की तरफ चलूँगी, मेरे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, तज़िया कार हैं अतर महमूद वानी, अतर मसूद वानी। अतर मसूद, आपको वेलकम कहते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं एडिटर कश्मीर टाइम और आबिद अब्बासी, उनका नाम है आबिद अब्बासी, आपको भी वेलकम कहते हैं। क्या कहें जी इलेक्शन के नतज और आप वज़ीर आज़म का इंतखाब, शुरू तो यहीं से करेंगे जी। शुक्रिया आयशा, आपने हमें आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए मदऊ किया। आज़ाद कश्मीर में ये तौका नहीं की जा रही थी, ये बात बजाय है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में उसका बड़ा असर पड़ता है और उसी की हुकूमत की एक वो रिवायत चली आई है, लेकिन इतनी सीटों की तौका नहीं की जा रही थी पीटीआई की कि वो 25 सीटें ले के वो तन्हे तन्हा हुकूमत बनाने की पोजिशन में आ जाए। हुकूमत बनाने के लिए 45 में से 23 सीटें चाहिए, इन्होंने 25 ले ली हैं। अब जो अगला मरला इसमें है कि ये स्पेशल सीटों के इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर जो जो है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का उसमें होगा। तो इब्तदाई तौर पे जो वो चार नाम जो आए उसमें बैरिस्टर साहब का, सरदार तनवीर इलियास साहब का नाम, ये शॉर्ट लिस्टेड हो और चौधरी जो इब्तदाई तौर पे नाम आए, चौधरी अनवारुल हक साहब का और मुजफ्फराबाद से ख्वाजा फारूक साहब का, ये चार नाम आए। लेकिन तमाम वो डिपेंड वही करता है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जिसको वो नॉमिनेट करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा और उसी पे तमाम उम्मीदवार जो पीटीआई की है उस चीज पे इतफाक रखते हैं कि जिसको भी इमरान खान बनाएंगे उस पे उसी पे वो। आप क्या समझते हैं, गेस करें इस वक्त चांस क्या है? देखें जी, इसमें यह है कि बैरिस्टर साहब के जो है एज अ प्रेजिडेंट वो आम आदमी वो यही समझता है कि प्रेजिडेंट हैं वही आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो अगर इसमें तो दो चॉइसें आ सकती हैं, एक तो इमरान खान अपना कोई बुजदार ले आए वहाँ पे पंजाब की तरह, इमरान खान का बुजदार होगा, या जिस तरह तनवीर इलियास साहब ने अपने कुछ वो चैनल चलाए थे जिसपे एक कौमी इदारे के एक आला अफसर को तब्दील भी किया गया और लेकिन जो अगले अफसर आए सूरतेहाल में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। तो अगर आप किसी क्या और समझते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान अब नहीं, अब देखना ये है कि गैस भी नहीं कर सकते नहीं, अब अगर है कि इसका फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे। मैं तो आपको बहसियत सहाफी गैस जी, हम दो ऑप्शन आ जाते हैं इसमें कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए इमरान खान साहब हकीकी तौर पर खुद फैसला करेंगे या ये मुख्तदर इदारा जो है मतलब वही गैस होता है ना, खान साहब क्या करेंगे। मुझे कभी कभी ये लगता है कि वो कहीं सरदार साहब की फेवर में, क्योंकि वो इतने बड़े ताजिर हैं और उन्हें लगता है कि उन वो करप्शन नहीं करेंगे, उनको पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि करप्शन ने इस मुल्क को बहुत बुरी तरह से खाया हुआ है, ये गैस किया जा सकता है। तो वो अगर ये सोचें कि एक अमीर आदमी, एक अच्छा बिजनेसमैन तो करप्शन नहीं करेगा, उसको जरूरत नहीं है, शायद वो उनका इंतखाब कर लें, ये गैस है। आप क्या कहेंगे आबिद, इलेक्शन के नतज पर भी आए और इस वजीर आजम के इंतखाब पर भी? बहुत शुक्रिया आशा। ज़ाहिर है पोस्ट इलेक्शन पर जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वक्त हर बंदे की नज़र जो है वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की जाने पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक जो सूरत हाल इस वक्त है, जो 6 सीटें पीटीआई की जानब जानी है, उनका इंतखाब होना जाना है और 2 तारीख को है। अब अगर इस दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर देते हैं तो याद रखें देंगे वैसे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं। पीटीआई के अंदर आज भी मुंतखब मेंबरान के अंदर एक ग्रुप ऐसा मौजूद है कि जो 7 से 8 मेंबरान पर मुश्तमिल है, वो कोई भी फैसला अंदरून खाना ले सकता है। गो इस वक्त शायद वो इमरान खान साहब की बात को मान लेंगे, लेकिन अगर उनकी पसंद का फैसला ना आया तो मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। दूसरी बात, जहाँ तक हम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो पीटीआई के माजी के जो फैसले हैं उनको सामने रखकर अगर हम बात करें, उस्मान बुज़दार आए तो शायद उस डे की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस वक्त किसी और का नाम चल रहा था, लेकिन शाम 7 बजे तक किसी और का नाम था, 9 बजे खान साहब की वीडियो आ गई कि उस्मान बुज़दार आ गए। आप इसी तरह महमूद खान का नाम ले लें, उससे पहले किसी और का नाम चल रहा था और महमूद खान आ गए। हती कि बहुत सारे हम ऐसे फैसले देखते हैं जिसके अंदर से लास्ट मोमेंट के अंदर चेंजिंग आ गई, और मुझे यूं ही इस वक्त में ये लगता है कि आप उससे पहले तो ये कह सकते हैं कि इस ये उम्मीदवारान जो है इनके बारे में सोचा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन हातमी फैसले की तरफ बढ़ने से पहले जिस शख्स ने फैसला करना है उसने किसी के सामने
ओपन डिस्कशन के बावजूद अपना फैसला नहीं रखा, और जो आज सुबह भी एक इजलास हुआ इमरान खान साहब की सदारत में, उसमें भी जो 4 से 6 अफराद जो उनके क्लोज लोग थे वो मौजूद थे, उसके अंदर खासी डिस्कशन रही, और यही 4 लोग लेकिन 4 से 4 आप क्या समझते हैं, या ये समझें कि इनमें से ये होना चाहिए एक ख्वाहिश, तो 4 से मैं उसमें आशा बताऊँ कि 4 से कम करके उन्होंने 3 के ऊपर डिस्कशन कर दी, जिसमें चौधरी नवाब उल हक साहब भी डिस्कस हुए, ख्वाजा फारूक साहब को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, और आज इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त फिर एक इजलास हो रहा है कि जिसमें दो लोग डिस्कशन होनी है। डेफिनेटली टॉप के आप 2 से 3 बंदों की जब बात कर रहे हैं उसमें बरसे सुल्तान है और तमीम रियाज है। आप ताजिर की बात कर रहे थे, मैं उसमें अजी ने एक बात की कि वो बंदा जो कश्मीर इशू को और कश्मीर के मामलात को ठीक तरह से लेके चले वो होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। आप दोनों से इस बारे में फिर बात करेंगे। अभी नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और बात हो रही है कश्मीर इलेक्शन के नतायज पर। हमने थोड़ी हिस्ट्री माजी की बातें भी की, वो सारे लोग रहे, पीपल्स पार्टी बहुत सारा रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रही, नून लीग रही, अब पीटीआई है। क्या डिलीवर करते हैं, क्या वहाँ तरक्याती काम हुए, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, लेकिन सवाल तो अब बज़ाहिर पीटीआई मुस्तहकम हो गई है, लेकिन जब यहाँ सवाल आ रहा है कि आप क्यों नहीं डिलीवर कर रहे भाई, 3 साल तो गुजर गए हैं, तो अब आप पर आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी भी आ गई है, तो क्या सोचा है, क्या फैसले करेंगे? अभी तक हमें ये समझ नहीं आ सका, और नहीं डिलीवर करेंगे तो क्या मसाले आएंगे? हम अतर मसूद वानी से ये पूछेंगे कि क्या काम आज़ाद कश्मीर में पिछली हुकूमतों ने नहीं किए, होने चाहिए थे, और पीटीआई के कंधे पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जी अच्छा, ये है कि तमीर तरक्की जो है वो एक मुश्किल अमल होता है, वो किसी दौरे हुकूमत में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, ये तो चलते हैं। आज़ाद कश्मीर में जब हम सिर्फ तमीर तरक्की, आज़ाद कश्मीर एक कंट्रोवर्शियल इलाका है हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मौक़ के मुताबिक, जिसके जो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, जहाँ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला यहाँ के अवाम ने सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी में करना है, इसलिए यहाँ पे तो इमरान खान ने ये ऑप्शन दिया है, कहा है कि अक्वाम मुत्तहिदा करे तो हम भी देंगे। वो तो ऐसी बात है कि ना नो मन तेल होगा, ये ना उरादा नाचेगी, कि जब होगा तो होगा। अभी जो हकायक है, हकायक तो इसके ये बरक्स हैं। आज ही बल्कि बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं कि आज ही उनका एक स्टेटमेंट आया है, हमारे वो सीनियर सफारतकार हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया ने ये जो उन्होंने इंडिया की मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म की, उससे भी बड़ा इकदाम उठाने जा रहा है, वो ये कि वो मुख्तलिफ मुल्कों को दावत दे रहा है कि आप वो श्रीनगर में अपने कौंसलेट खाने खोलें। नंबर एक, दूसरे ममालिक से कहा जी, दूसरे ममालिक से वो कर रहा है, वो इसकी वो तैयारी में लगा हुआ, उसने रबते कर लिए हैं। दूसरा इसके साथ दूसरा बड़ा अमल वो ये कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों को ऑफर कर रहा है कि आप हिंदुस्तान की जो कश्मीरी बाशिंदे हैं, आप हिंदुस्तान की वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो वो इंडिया ने एक इंतहाई इकदाम उठा लिया, उसके बाद इतना बड़ा इकदाम उठा दो इकदाम और तो, हमारे साथ कश्मीर से सीनियर सहाफी मौजूद है अफराज गिरदेजी। जी अफराज गिरदेजी, आपको आवाज आ रही है, आपको वेलकम कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आशा मसूद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे साथ अतर मसूद वानी भी हैं, हमारे साथ आबिद अब्बासी भी हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर के नतायज पर। पीटीआई वहाँ से जीती, समझा जाता है कि थोड़ी मुस्तहकम हो गई है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने भी कोई इतना डिलीवर नहीं किया, ये इन आवाम की क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त, क्या क्या करना चाहिए पीटीआई की हुकूमत को? जी देखिए, एक बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई को इस वक्त लोगों ने एक मैंडेट दिया है, 6 लाख से ज्यादा वोट देके उनके एतमाद का इजहार किया है, उसमें जो पहला एलिमेंट जो मुझे नजर आता है वो सेहत कार्ड का है। इमरान खान ने जो वहाँ पे सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया हर शनाख्ती कार्ड होल्डर को, ये एक बड़ा पॉजिटिव एक खामोश काम था कि जो गैर सियासी बुनियादों पर किया गया और एक वक्त पे सियासी फायदा तहरीक इंसाफ को मिला। नंबर एक। नंबर दो, चूंकि आमतौर पर जो आज़ाद कश्मीर का एक वोटर का ट्रेंड होता है वो सियासी जमातों के बजाय जो रियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर
जमात बरपर इकतदार होती है और उसके तरफ जाने की बुनियादी वजह ये होती है कि अगर आजाद कश्मीर के अंदर ऐसी हुकूमत कायम हो जिसकी टकराव रहे इस्लामाबाद के साथ, तो आमतौर पर आपके तमाम मनसूबे तमाम फंड वहाँ मुतासर होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जमात होती है माजी के चार पाँच वो बनती है। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं चूंकि आप वहाँ उसी खित्ते में इस वक्त मौजूद है, कौन से काम है जो इस हुकूमत को करने चाहिए? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इसलिए वो लोग इसी तरफ आते हैं कि ऐसी हुकूमत का इंतखाब किया जाए जिसके इस्लामाबाद के साथ वर्किंग रिलेशन अच्छे हो। इसलिए आजाद कश्मीर के अवाम ने वहाँ पे एक मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो अट्रैक्शन जो वहाँ पे आई, जो तनवीर इलियास खान जो थे, उन्होंने बिलखसूस जो फोकस किया, उन्होंने आई टी पार्क को फोकस किया वहाँ पे, कैडेट कॉलेज बनाने के बारे से उन्होंने फोकस किया, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने अपने मंशूर के अंदर एक पंपलेट शाया करके वहां जारी किया कि हम आजाद कश्मीर के अंदर रोजगार के मौके पैदा करेंगे, और मेंशन किया कि 5000 नौजवानों को रोजगार देंगे। ये चीज अट्रैक्ट हुई है एक खास रीजन के अंदर, लेकिन इसके असर पूरे आजाद कश्मीर के अंदर पड़े, और लोग चाह रहे हैं कि वहां पे तालीम के अंदर काम हो, वहां सेहत के अंदर काम हो, और वहां सबसे ज्यादा जो काम लोग चाहते हैं जिससे आजाद कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, वो आजाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म है, सेहत है। पहली हुकूमत ने वहां पे टूरिज्म कॉरिडोर की बात की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो टूरिज्म कॉरिडोर जो है वो कहीं किसी शक्ल में आजाद कश्मीर के अंदर उसको देखा नहीं जा सका। अब लोग ये तवक्को करते हैं, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े रहनुमाओं ने इस बात का दावा किया था कि वो टूरिज्म को फरोग देंगे और टूरिज्म इंडस्ट्री को मुस्तकम करेंगे। इस हवाले से लोगों की एक उम्मीद ये है कि तहरीक इंसाफ अगर चाहे तो आजाद कश्मीर के अंदर इस तरह के इकदाम करेगी जिससे एक तो जो बेरोजगारी है वो कम होगी, और उसके साथ ही वहां पे लोगों को रोजगार के मौके पैदा होंगे। अफसोसनाक बात ये होती है कि आजाद कश्मीर की हुकूमत हमेशा डिपेंड कर रही होती है जो इस्लामाबाद की फाइनेंशियल एड होती है कि इसकी बुनियाद पर तमाम तरह मसले बनाती है। टाइम हमारे पास बड़ा तेजी से गुजरता है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका छोटा सा जवाब दें, क्या तवक्कु कर रहे हैं वजीर आजम कौन होगा? जी देखिए, इस वक्त जो टॉप पे नाम डिस्कस हो रहे हैं, हमारे दोस्त भी यकीन से बात कर रहे होंगे, सरदार तनवीर इलियास खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के नाम डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन चूंकि पीटीआई एक ऐसी पार्टी है कि जिसके बारे में कोई बात प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती वो कैसे करेंगे, और माजी में पंजाब के अंदर उसकी मिसाल आपके सामने है, इसलिए कोई बात नहीं कर सकती। बिल्कुल अफराज, ये बात हमारे जो बैठे हैं मेहमान उन्होंने भी की, मुंह इमरान खान साहब के बारे में कुछ प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, तो ये बात सही है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ कहा जा रहा है, ख्वाहिशात के बारे में भी नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। सॉरी, आवाम क्या चाहते हैं कि ये हमारा वज़ीर आज़म? नहीं देखिए, आवाम की जो सोच है वो रीजन्स में है, एक रीजन के लोग चाहते हैं कि तनवीर इलियास खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए, एक रीजन में ये भी आवाज है कि बैरिस्टर को वज़ीर आज़म होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर इंतजार की बजाय इन दोनों लोगों को अकोमोडेट किया जाए और रियासत के अंदर एक मुस्तकम हुकूमत बने। अगर मुस्तकम हुकूमत नहीं बनती तो नुकसान आवाम को भी होगा और वहाँ की तामीर तरक्की को भी होगा, फिर मुश्किल। बहुत शुक्रिया अफराज, बहुत क्या कहेंगे आबिद अब्बासी इनके बारे में? बड़ा शुभ, ये बात बड़ी दुरुस्त है, और चूंकि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो दोनों के दरमियान एक हर एक शख्स ये चाहता है। टूरिज्म के बारे में इन्होंने बात की कि माजी में हुकूमतों ने नहीं किया, पीटीआई को टूरिज्म पर तवज्जो देनी चाहिए। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, खान साहब भी कहते हैं हमारे इलाके स्विट्जरलैंड से ज़्यादा हसीन है। हसीन तो हैं, लेकिन वहाँ जब जाके बंदा फंस जाता है और लैंडस्लाइडिंग नहीं ठीक हो रही होती, सड़कें अच्छी नहीं है, रिहाइश के इंतज़ाम साफ नहीं है, एक बात जगह कश्मीर के अंदर ऐसी हैं, लोग अपने रज़ाइयाँ और कंबल लेके जाते हैं, स्मेल फैली हुई है, सफाई के इंतजाम नहीं है, तो फिर खान साहब ये कैसे करेंगे सर? बात मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि वहाँ वाकई जो है वो टूरिज्म हो सकता है। एक तो लोकल टूरिज्म है कि जहाँ से पाकिस्तान से लोग वहाँ पर जाएँ या इंटरनली जो मूवमेंट होती है वो रहे। दूसरा ये है कि जो आपका फॉरेन टूरिस्ट है वहाँ पर, उसके लिए आपको एक इंतजाम इस तरह रखने पड़ते हैं। इंतजाम नहीं है अभी हम वहाँ पर नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरत ये है, उसके लिए जरूरत ये है कि वहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दूसरा अमन ओमान की सूरत हाल ऑलरेडी ठीक है लेकिन एक तहफ़ का एहसास मसलसल होता रहे, तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आप अगर देखें तो जब तक वहाँ पर वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो किसी भी टूरिस्ट को दरकार होती हैं और वो होना ज़रूरी है, चौथा लोगों का मकामी तौर पर रवैया, लोगों को वेलकम करने का जो एक रवैया है वो बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया भर के अंदर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लोग इस बात को नहीं देख रहे ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो इस बात को ज़रूर देख रहे होते हैं कि
कि इसके आने से हमें क्या असर हमारे पे क्या पड़ रहा है, तो वहां पर लोगों का जो लोकल रवैया है उसको देखने की जरूरत है कि लोग जैसे मरे के लोगों से लोगों को इतने गिले हुए डेफिनेटली आप देखिए जितने तो बड़ी तादाद के अंदर लोग जाते हैं वहां पर मिसबिहेव होता है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना। इससे इससे जो है आपका टूरिस्ट फ्लो नहीं पाता। आवाम को थोड़ी सी मैं एक और बात जरूरी समझता हूँ जो जो इस वक्त करने वाली है वो ये है कि हुकूमती तवक्कात ये लोगों की अपनी जगह, लेकिन आज़ाद कश्मीर का नौजवान जो है इस वक्त वो बड़ी तादाद के अंदर पढ़ा लिखा है और वो बेरोजगार है और माजी की हुकूमतों के हवाले से वो ऑलरेडी है स्मॉल इंडस्ट्री, आज़ाद कश्मीर के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री काम कर रही है, उसको मजीद फाल किया जा सकता है, उससे मजीद काम लिया जा सकता है, उसके आउटलेट सदा बनाए जा सकते हैं और आज़ाद कश्मीर की जो मसनूआत ओवरऑल जो कश्मीर की मसनूआत है दुनिया भर में जाती हैं, उसको गवर्नमेंट लेवल पर ज्यादा फरोग दिया जा सकता है। इतनी आसानी से नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत जरूरी है, वो उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और उसके अंदर नई चीजें लाई जा सकती हैं। बस हमारी बदकिस्मती रही कि हम माजी की बहुत सारी गवर्नमेंट के अंदर शायद ये बात डिस्कस भी रही, गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि ऐसी चीजें लाई जाएं, लेकिन उनकी तरजीह बुनियादों पर ऐसा काम नहीं कर सके जिससे नहीं रहा। वहाँ एक चीज मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त वहाँ पर जरूरत है, खासकर जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसने बिल पास करके वहाँ पर जो हडाक मुलाजमीन थे उनको परमानेंट कर दिया और बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो हजारों की तादाद सैकड़ों की तादाद में हैं जो मेरिट की बुनियाद पर खालिस्तान होनी चाहिए थी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहां पर देखिए आप वहां मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोगों को आना चाहिए था और वहां पर लोगों को मैस अपने ताल्लुक करवा परवरी या सिफारिश की बुनियाद पर पहले भर्ती किया गया, पर बाद अब 5 साल पूरे होने पर और 6 साल पूरे होने पर जो है उनको वहां पर मुस्तरद कर दिया गया। ये एक रास्ता रोक शाश है, इससे नौजवानों का पढ़े लिखे नौजवानों का रास्ता रोक गया। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएंगे तो लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और फिर आप मेरिट का करवा परवरी और मेरिट की तो धज्जियां उड़ाई जाती है, सही लोगों का हक मारा जाता है वो उस जगह नौजवानों का, और फिर जो जिनको अपॉइंटमेंट दी जाती है वो इतने ज्यादा लोग हैं उन्हें निकाला जाए, फिर हड़ताल की ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 3-3 बार पीएससी फेल कर गए, चलो हम तो नालायक से एक बात कर रहा हूँ, 3-3 बार पीएससी फेल कर गए और जो है वो 17 और 18 पर अब तक बैठे हुए हैं, उनको परमानेंट अब जॉब मिल गई है। और ये जो इश्यूज है ये साल टूरिज्म में जो यहाँ से भी जाते हैं अभी भी बहुत लोग कश्मीर गए हुए हैं उन्हें बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, टूरिज्म कैसे बेहतर हो, जंगलात की कटाई ना हो, स्मॉल इंडस्ट्री को फॉल किया जाए और फिर इदारों में मेरिट की तजिया ना हो, क्या कहेंगे? अच्छा देखें यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बिलाशुबा जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उसको बेहतर बनने की ज़रूरत है, कई इलाके वहाँ पे उनको आना पड़ता है, एबटाबाद जाना पड़ता है, रावलपिंडी आना पड़ता है, पाकिस्तान के इलाकों में जाना पड़ता है, सेहत कार्ड एक बड़ा है, सेहत कार्ड तो चलो ठीक है लेकिन जब तक आप वहाँ पे अस्पतालों को आप वहाँ पे उनकी कारकर्दगी उनकी जो सहूलियात को बेहतर नहीं बनाएंगे मुकामी लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। गाड़ियाँ भी दूसरा वहाँ होनी चाहिए पहाड़ी इलाकों में। दूसरा आयशा वहाँ पे जो जरूरत है वहाँ पे एजुकेशन हमारा जो शरह खानदगी वो ठीक है हमारा बड़ा अच्छा है 70% से अबव है भाई, लेकिन खवातीन को जरूर खराज तहसीन पेश करूंगी, कश्मीरी खवातीन को खराज तहसीन सलाम सल्यूट, बड़ी तादाद में निकली भाई, बहुत अच्छा लगा कि खवातीन ने इतनी जिम्मेदारी आपके इलेक्शन के नताइज के तब्दील होने में खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। हमारा वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाना एक बड़ी वक्त की जरूरत है। तीसरी जो आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म में वहाँ पे ये बेसिक जो है ये बुनियादी ढांचे की जरूरत है, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो पैसा मांगते हैं। इधर पाकिस्तान की हालत ये है कि यहाँ इक्तसादी तौर पर इतनी ये वो कमज़ोर हालत में है कि आम आदमी जो वो दानिश्वर है वो इस चीज़ की तौका नहीं रखता कि ये पाकिस्तान में तो कर नहीं पा रहे तो वहाँ पे ये कैसे सरमायाकारी करेंगे या कुछ और करेंगे। दूसरी आयशा जरा मैं कर लें वो की बात ये दूसरा यहाँ पे एक जो बड़ी है कि आज़ाद कश्मीर के 74 का जब एक्ट आया तो लोगों की बड़ी वहाँ पे थी ये कंप्लेन थी कि हमें एक वो रबड़ स्टैंप की तरह असेंबली बिठा दी गई है, हमारे पास इख्तियार कोई नहीं है। 47 साल के बाद 2018 में ये 13वीं तरमीम हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं जो 70 साल से शाकी थे वजारत अमूर कश्मीर की हर धर्मी की, उन्होंने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को 13वीं तरमीम के जरिए ये मालियाती लिहाज से इंतजामी लिहाज से उनको बाख्तियार बनाया।
अब हमारे जो हमारे वजीर उमूर कश्मीर हैं, उन्होंने कल ही उनका इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम ये ख़त्म करेंगे, हम इख्तियार वापस वजारत उमूर कश्मीर को लाएंगे, हम कश्मीर कौंसिल को बहाल करेंगे। मुझे नज़र तो ये आ रहा है कि ये पैसा आज़ाद कश्मीर के जो अवाम के मसाइल हैं वो तो एक तरफ उधर ही रहेंगे, वहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जिससे इलाके का जो पुरअमन माहौल है वो खराब हो जाएगा, रवादारी का माहौल है वो खराब हो जाएगा। लेकिन नाजरीन ये भी होता है कि सिंध की को जितना बजट दिया जाता है वो अवाम की हालत नहीं सुधारता, वो बजट कहाँ जाता है उसका नहीं पता चलता। ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। बात हो रही है कश्मीर के जो नतायज हुए और फिर जो पीटीआई की हुकूमत आई और फिर आइंदा चलकर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें माजी की हुकूमतों से रह गई थी, ये सारा मौजू ज़ेरे बहस रहा। नाज़रीन देखना ये है कि अब कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने, अभी हम जब ब्रेक में थे तो बात हो रही थी सहाफ़ी हमारे जो उनसे, तो उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल में हिंदुस्तान ने श्रीनगर में दूसरे ममालिक से कहा कि सफारत खाने आके बनाएं, और फिर उसने ये भी कहा कि हिंदुस्तान आइंदा उन कश्मीरियों को नेशनलिटी भी ऑफर करेगा जो कि उसके साथ जाएंगे। अब बात नेशनलिटी लेना चाहेंगे, अब बात यह है कि हिंदुस्तान करोड़ तरह की ऐसी बकवास करता रहे और इस किस्म की गंदी ऑफर्स करता रहे, ना कश्मीरी पीछे हटने वाले हैं ना पाकिस्तान पीछे हटने वाला इस मौकफ से, और किसी भी सूरत ये वाली चीज़ें लालच से कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में उसने तरक्की भी बड़ी की है, सड़कें बनाई हैं, राशन बड़ा सस्ता देता है, लेकिन ये सारी चलाकियाँ टू नेशन थेरी और जज्बा जहाद और जज्बा आज़ादी के आगे हेच है, कुछ भी नहीं है। मुझे तहरीक पाकिस्तान के बाद का ज़माना याद आ रहा है। अब बात मैं दूसरी बात करूँगी पाकिस्तान की मईशत की, साफ ज़ाहिर है कश्मीर में भी तरक्की उतनी तेज़ी से नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत ना हो। पाकिस्तान बना तो जो पेपर्स है ना, ये कांटे जो होते हैं ना गुलाब के फूलों के, ये तोड़ के कायदे आज़म के दफ्तरों में पेपर जोड़े जाते थे, और कायदे आज़म ने चाय का कप मना किया हुआ था कि दफ्तरों में कोई घर से पी के आए चाहे गुड़ वाली चाय पिए, और जो काफले थे वो लुटे पटे और जब घरों में गए तो किसी के पास को खाने पीने की चीज़ें नहीं। इतना इत्तफाक था कौम में, इतना इत्तेहाद था कि आज ये मुल्क एक एटमी मुल्क है उन मसाइल में भी, और कोई हज़ार साल नहीं गुजरे हमें। पाकिस्तान कौमों की ज़िंदगी 70-80-90-100 साल कुछ भी नहीं होती, कौमों की ज़िंदगियां तारीख पढ़े तो हज़ारों हज़ारों साल में जाके मुस्तहकम हुई। हम बड़ी जल्दी एटमी ताकत बन गए क्योंकि हमारा बनिया था हिंदुस्तान, हमारा गलीज चलाक जो था हमसाया था। तो अब ये सूरत हाल में हमारे जज्बों को कोई ख़तरा नहीं, मईशत भी हमारी इंशाल्लाह मिलकर तकलीफ़ उठा लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जो लवाजमात हैं ना उनकी तरफ ना कश्मीरी जाएंगे ना पाकिस्तानी जाएंगे। नाज़रीन सीनियर साफ़ी आरिफ बाहर हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं हल्का अहबाब में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नतज पीटीआई की कहा जा रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि हुकूमत थोड़ी मुस्तहकम हुई, बयानियां पीपल्स पार्टी ने बहुत देर हुकूमत की, नून लीग का शायद बयानियां रद्द हुआ, क्या कहेंगे और वज़ीर आज़म का इंतखाब पर भी बात करें, ये दोनों क्वेश्चन है आपसे। जी बिल्कुल, ऐसे है कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसका नतीजा कतई तौर पर गैर मुतवक्को नहीं था। इंतखाबी मुहिम से के शुरू होने से जिस तरह का मंजर बनता चला जा रहा था, इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम पर वो तस्वीर पूरी तरह कैनवस पे मुकम्मल हो गई। तो जिन जिन कैंडिडेट्स के दरमियान, जिन जिन जमातों के दरमियान मुकाबले की तवक्को थी और जिन जिन कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबले की तवक्को थी, तकरीबन 19-20 के साथ उसी तरह रहा। पीटीआई इस असर के साथ आगे जा रही थी कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में है उसी की हुकूमत मुजफ्फराबाद में बनेगी, तो ये तासर आखिर तक बरकरार रहा और नतीजा वही निकला, पीटीआई को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, आरिफ साहब ये बताइएगा कि माजी की पीपल्स पार्टी ने बड़ा लंबा दौर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी 5 साल रही, क्या चीजें वो डिलीवर नहीं कर पाए जो कि आप पीटीआई की हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? टूरिज्म पर बात हो रही है, इंडस्ट्री को फॉल करने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो रही है, क्योंकि अब लगता है कि आइंदा जो वो
हर प्रोजेक्ट में होता था ना जी, इतना भत्ता हमें दें, हमारा हिस्सा कहाँ है, तो शायद ये कल्चर आप चेंज हो जाएगा। इन चीजों पर कैसे गौर करें, पीपल्स पार्टी को किस तरह डिलीवर करना चाहिए? जी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी जम के बारियां लगाई। पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स बने, कुछ बड़े तालीमी इदारे बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, लेकिन जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो ठीक नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून ने गुड गवर्नेंस का उसी के रद्द अमल में नारा लगाया जब वो बरसर इक्तदार आई, लेकिन मुस्लिम लीग नून का बजट भी दोगुना हो गया, लेकिन इसके बावजूद कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया और मुस्लिम लीग नून ने इसको नजरियाती किस्म के ना जरिए आवाम को मुतमिन करने की कोशिश की गई। रियासती तशख्स का नाम इस्तेमाल किया गया और सूबा बनने की और इस तरह के जो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें हैं उनको आगे चलाकर कि मैं आखिरी वजीर आजम हूँ, तो इससे काम चलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो आवाम के मसाइल होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती है, वो इन चीजों से नहीं है जी। तो अब पीटीआई को बिल्कुल पहाड़ जैसे, हिमालय जैसे मसाइल का सामना है। सबसे पहला सामना तो उनको ये है कि आजाद कश्मीर में तकरीबन गवर्नेंस का जो निजाम है वो दिवालिया हो चुका है। उसकी वजह ये है कि यहाँ एहतसाब का कोई निजाम नहीं, एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं, एहतसाब ब्यूरो नाम का की हद तक है और अमलन उसकी रूह निकाली जा चुकी है। तो इस वजह से इसका सारा जो इफेक्ट है वो पूरी सिस्टम पर पड़ा है गवर्नेंस की। तो सबसे पहला मामला तो ये है इस चीज को बहाल करना है, उसके बाद फिर आजाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, टूरिज्म के मसाइल हैं, हेल्थ और एजुकेशन के मसाइल हैं, तो इन पे मुनज्जम अंदाज से मनसूबाबंदी के साथ काम करने की जरूरत है और ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी आने वाले वक्त में जी। तो और ये हुकूमत अभी जो जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हुकूमत जो बनने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, असेंबली के लिए डिसाइड होगा, आप क्या गैस करते हैं कि क्या खान साहब डिसीजन लेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि तमाम फैसले जो ट्रंप कार्ड है वो इस वक्त खान साहब के पास है, वो जब शो करें तो अंदाजा होगा। तो कई कैंडिडेट्स हैं तमाम अहदों के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, जाहिर है इसके कुछ अर्से के बाद प्रेसिडेंट का होगा और फिर काबीना है, तो बहुत से उम्मीदवार हैं। बरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इस वक्त तक स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, तनवीर लियास साहब का भी नाम लिया जा रहा है, उसके अलावा ख्वाजा फारूक साहब और कई दूसरे कैंडिडेट्स का भी नाम चल रहा है, लेकिन मैं चूंकि ये खान साहब सरप्राइज देने की सलाहियत रखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, कहा जा सकता कि वो क्या सरप्राइज देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप सरप्राइज के लिए तैयार रहे, थोड़ा सा हम गैस कर रहे हैं कि ये सरप्राइज आपको मिलेगा, खुदा करे कि कश्मीर और मसला कश्मीर के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अतर, हिंदुस्तान की आपने हमें छेड़ दिया, जो वो ये करने जा रहा और वो करने जा रहा, लालच तो वो देता है, हम तो नहीं उसकी किसी साजिश में आते। कश्मीरी कश्मीरियों की मकबूजा कश्मीर में अली गिलानी साहब हों, यासीन मलिक हों, दीगर जितने हैं और जो शहदा हुए, हम तो खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। अली गिलानी साहब को देखें किस तरह नज़रबंद किया हुआ, हिंदुस्तान अब की इस अब जो आएगी हुकूमत उसको किस अंदाज में मसला कश्मीर को उठाए रखना चाहिए। बेशक हिंदुस्तान अपनी गलाजत करता रहे, इधर से ये भी अपना काम करते चले। अच्छा, जब 5 अगस्त 2019 का जब इंडिया ने इकदाम उठाया तो आजाद कश्मीर के अवाम में, क्योंकि आजाद कश्मीर का कोई खिता ऐसा नहीं है जहाँ का कोई नौजवान मकबूजा कश्मीर में शहीद ना हुआ हो। अच्छा, थोड़ा टाइम है, आबिद को भी टाइम देंगे तो थोड़ा सा जी, मैं थोड़ा सा इसको, मैं बस एक दो मिनट में ही बात खत्म करूंगा। ये गाजियों की, शहीदों की सरजमीन है, ये बड़े बुलंद किरदार वाले लोग हैं, वो ठीक है, हमें ये लो कैलिबर के अमूर में हमें उलझा के हमें डिग्रेड करने की कोशिश की गई, लेकिन आजाद कश्मीर का खिता कश्मीरियों का ये फख्र है। जब ये इंडिया ने इकदाम किया तो आजाद कश्मीर के अवाम में बड़ी बेचैनी पैदा हुई। वहाँ पे एक आपको याद होगा कि कंट्रोल लाइन अबूर करने की तहरीक भी चली, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे रोक दी गई। फिर आजाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने आजाद कश्मीर हुकूमत की सरबराही में उन्होंने 3 इजलास किए, जिसमें ये उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंट्रोल लाइन की तरफ पूरा मन एहतजाज करेंगे, पूरी दुनिया का मीडिया आएगा, देखेगा। तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे भी हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया, वो कबायली हमला याद है ना आपको, अब उसी स्टेप एक पुरअमन एक करना था जिसमें पूरी दुनिया मतवजा होती, कश्मीर कॉज होता, ये खान साहब को, इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ने ये कहा, साफी जो कह रहे हैं हमारे सीनियर साफी, कि पुरअमन एक दफा कश्मीर पूरी कुव्वत से एहतजाज करें ताकि इंटरनेशनल मीडिया, खान साहब का बयानिया ये है कि हम कोई आजाद कश्मीर में पाकिस्तान में कोई ऐसा काम ना करें जिसे इंडिया को बहाना मिल जाए, बहाना वो ढूंढ रहा है ना, ये मुजाहरा ये ढूंढ रहा है, थोड़ा इनको तर्क करना चाहिए। ठीक है, ये ढूंढ रहा है, हिंदुस्तान बहाने ढूंढ रहा है और अमेरिका की उस पर सरपरस्ती है, और फिर वो सारों को दिखाएंगे जी ये किया, ये तो बदनीयती तो है ही, आप क्या कहेंगे आबिद साहब?
बिला शुबा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो आने वाली यानी जो गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी इस लिहाज से ज़्यादा बनती है कि जो मसला कश्मीर है वो ऐसे मोड़ पर है जहाँ इस प्लेटफार्म को यूज़ करने की ज़रूरत है। और बुनियादी तौर पर जो कश्मीर का केस है वो हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने दुनिया भर में लड़ना होता है। कश्मीरी जो इसके फरीक हैं वो दुनिया को इस लिहाज से बता रहे होते हैं कि वो मुतासरा हैं, वहाँ मुतासरीन हैं। और चूँकि डायस्पोरा जिस तरह काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद फहाल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो पूरी हुकूमत, जो नई हुकूमत बनेगी, अगर हिंदुस्तान जो मर्जी करता रहे, अगर ये अपने मौकफ पर डट कर इसको दिन रात आगे बढ़ाएं तो कोई पॉजिटिव नतीजा निकल सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसने मौकफ तो वैसे ही डटा हुआ है वो, लेकिन काम असल में दफ्तर खारजा ने करना होता है। और उसको फाल करने की सियासी जरूरत है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के जो मेम्बरान हैं वो बाहर दुनिया निकल करें तो वो कश्मीर काज के लिए काम करें, और फिर और उन्हें मैच सैर सपाटे नहीं करने चाहिए वहाँ के डायस्पोरा को, जो कश्मीर डायस्पोरा। अच्छा, ये माजी में करना चाहिए। आपने जो बात की ना, माजी में जब हम स्टडी करते हैं तो ये होता रहा कि इन्होंने बड़े बड़े मिशन खराब किए। बिलाशुबा, देखिये आप वहाँ पे इंटरटेन होने नहीं जाते, आप वहाँ पर ये मूड बना के सूट पहले तो बहुत अच्छे जमा करते हैं। आप देखिए और सूट और ये वहाँ की सफारत जो हमारे पाकिस्तान के सफारत खाने हैं उनका ये काम है कि उनको इस तरह अंगेज रखें कि वो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए गए हैं वही जाकर वहां करें, तैयारी नहीं करते। दूसरा ये इंडिया कॉन्फ्रेंस में मैं गई तो हमारे डेलीगेशन ने कोई तैयारी नहीं की थी कि वहां उनके सामने बात। ये इंतहाई बदकिस्मती और अफसोसनाक बात आप बता रही हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जो वहां पर डायस्पोरा काम कर रहा है उससे काम लिया जाए। दुनिया भर इस वक्त जो कश्मीर का इश्यू उठाए रखा है 5 अगस्त के बाद से, वो दुनिया भर में डायस्पोरा ने उठाए रखा, और दुनिया को कश्मीर के इस मसले की तरफ उनकी उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई। और अब दुनिया में जो डिस्कस हो रहा है, मैं आप खान साहब की बात कर रहे थे, इमरान खान ने अच्छी स्पीच की थी, लेकिन उसका फॉलो अप होना चाहिए था, उसका फॉलो अप नहीं हो सका, उसका दफ्तर खारजा भी फॉलो अप नहीं कर सका। एक डेस्क बना था, कश्मीर डेस्क जो दफ्तर खारजा ने बनाया था पूरे सफारत खानों में, लेकिन उसका फीडबैक नहीं आया, उसके ऊपर काम क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। और आप इस वक्त अगर इस मौजूदा गवर्नमेंट यानी आने वाली जो हुकूमत आजाद कश्मीर की है उसने कश्मीर काज के लिए जरूर काम करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब सब मिलकर करें। पीटीआई के 25 में से 11 नए चेहरे आए हैं, नए लोग आए हैं, वो नए विजन के साथ आए, डेफिनेटली होना चाहिए। अतर समझते हैं कि ये लोग अब इस कश्मीर डेस्क हमारे सफारत खानों में भी हो, हमारे जो सारे इदारे हैं उनके अंदर भी हो, और वहाँ हमारा बुक्स पढ़ी हो, हमारे पंफलेट पढ़े हो, जो हर एक की। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया यहाँ पे कि आजाद कश्मीर के लोगों की हमेशा या हुकूमतों की पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड रही है कि यहाँ पे हमें वजारत खारजा हमें असिस्ट करे कि हमें ये किरदार दिया जाए कि जब पाकिस्तान का कोई बात करेगा उसकी दुनिया नहीं, जब कश्मीरी बात करेगा, कश्मीर का अहदेदार बात करेगा, बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ पे हमारी वजारत खारजा पहले ब्रीफिंग देती थी साल में एक दफा, उन्होंने ब्रीफिंग देना भी छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। हमने जो मैं बात और करना चाहूंगा अतर साहब आपके लिए भी, बड़ी सही बात की, कश्मीर कमेटी है उसको, जो यहाँ पे जो फेडरल कश्मीर कमेटी है उसको काम करना चाहिए लॉबी के लिए, वो किसी और काम में उलझी हुई है। तो खैर मौलाना साहब थे तो वो तो चले गए, अब देखिए ना वहाँ अभी भी बेहतर होनी चाहिए, ठीक बात होनी चाहिए, जो कश्मीरियों को जरूर शामिल करें तरजीहात में। अतर मसूद वानी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब कश्मीर पर पाकिस्तानी बात करते हैं उसकी भी अहमियत है, लेकिन जब कश्मीरी बात करेंगे तो उसकी वे इंतखाब करें ना लोगों का, कौन है जो बेहतर बात कर सकते हैं कश्मीर कमेटी में, कश्मीर डेस्क में, पंफलेट किताबें, उसको भी माफिया से निकालें ज़रा, इन चीज़ों को भी निकालने की जरूरत है। नाजरीन, दो अशार और अशार, टाइम तेज़ी से गुजर जाता है, उनके साथ फिर मैं इजाज़त चाहूँगी कि कब ये मुमकिन है कि आप जंजीर में कश्मीर हो, कब ये मुमकिन है कि आप जंजीर में कश्मीर हो, अब तो मुमकिन है यही कश्मीर में कश्मीर हो, दोनों अलहदा नहीं हो सकते। और जुल्म के आगे कोई इंसान झुक सकता नहीं, जुल्म के आगे कोई इंसान झुक सकता नहीं, शहर की दीवार पर अब एक ही तहरीर हो, अब ये तहरीर हर जगह होगी कि हिंदुस्तान के मुजालिम के आगे कोई नहीं झुकेगा, और इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ादी मिलेगी। नाजरीन, आयशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।